साथियों, हमारे लिए उत्तराखंड का विकास, यहां की सेवा, हमारे लिए ये पुण्य का काम है, पवित्र कार्य है। इसलिए हम उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए काम करते हैं, जी जान लगाकर काम करते हैं, पवित्र मन से काम करते हैं, जबकि वो हरिद्वार नहीं, गरद्वार और परिवार के लिए काम करते हैं। हम सत्ता में आए तो हमने मां गंगा की सेवा और स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान शुरू किया। आज मां गंगा निर्मल हो रही है, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्या कृत्य किए थे? इन्होंने इसी हरिद्वार में हरि की पैड़ी पर मां गंगा को नहर घोषित कर दिया था। क्या दुनिया में कोई कल्पना कर सकता है, दुनिया की सबसे विख्यात नदियों में से एक गंगा को कोई नहर घोषित कर दे ताकि खनन और लूट माफिया अपना खेल खेल सके? झूठ और लूट का इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा पाप, ये इनकी कारनामे है, इनकी कारस्तानी है। हमारी सरकार ने इनके इस फैसले को पलटाकर गंगा को लूटने का यह खेल बंद किया, जिसको देव भूमि की पवित्रता में, यहां की संस्कृति में जरा सी भी आस्था होगी वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। इसके पहले सत्ता में थे तब भी इन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को बिगाड़ने के लिए कई खेल खेले थे। हरिद्वार के लोगों से बेहतर इस बात को और कौन जानेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में योगी फिर आ रहे हैं और योगी जी जब आते हैं तो अपराधी माफिया भागते हैं। यहां अगर कांग्रेस सरकार होती तो यूपी से भागकर ये अपराधी कहां जाते? इसी इलाके में आकर के अपना ठिकाना बना लेते, यहां उनकी खातिरदारी भी हो जाती, क्योंकि वोट बैंक में काम आ जाता। इसलिए अभी हम बचे हुए हैं, ऐसे लोगों की एंट्री बंद है और इसलिए सतर्क रहना है, कांग्रेस को फिर से मौका नहीं देना है।